Hello students, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी सॉल्यूशन की एक्सरसाइज 1.4 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 11 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन. एन मीन्स नेचुरल नंबर्स गिवन बाय ए बाइनरी बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी. तो जो आपने ए और बी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाना है उसमें आपने क्या करना है, उन दो नंबर्स में एलसीएम लेना है ए और बी का. फाइंड 5 बाइनरी 7. तो 5 बाइनरी 7 मतलब आपको ए बाइनरी बी वाला ही ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा, यानी 5 और 7 का एलसीएम लेना है, 20 और 16 का एलसीएम लेना है और चेक करना है क्या ये जो बाइनरी आपको गिवन है ये कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है. एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द आइडेंटिटी ऑफ बाइनरी इन एन, यानी जो आपके पास नेचुरल नंबर गिवन है क्या नेचुरल नंबर में कोई आइडेंटिटी है. विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टेबल फॉर द ऑपरेशन बाइनरी. तो सबसे पहले आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर देते हैं 5 बाइनरी 7. तो 5 के कोई फैक्टर नहीं है डियर आपके पास, 5 और 1 ज्यादा से ज्यादा, और 7 के हो गए 7 into 1. एलसीएम निकालना है, नाम जरूर होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर लेकिन लेते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो 1 तो आएगा आएगा, 5 की पावर 1 और यहां पर क्या है 5 की पावर 0. तो हाईएस्ट नंबर कौन सा हुआ, 5 की पावर 1. देख सकते हैं आप 5 की पावर 1 यहां नहीं है तो वो चीज भी आपके पास आ जाएगी. तो बेसिकली एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन चीज है उसकी तो आप पावर लेंगे हाईएस्ट और जो अनकॉमन है वो नंबर्स भी ले लेंगे. तो 5 अनकॉमन है वो भी आ जाएगा, 7 अनकॉमन है दोनों में वो भी आ जाएगा. दैट इज व्हाट एलसीएम ऑल अबाउट. तो 5 और 7 का एलसीएम कितना आ गया आपके पास, 35. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 5 बाइनरी 7 35. 20 और 16 का आपको एलसीएम चाहिए तो 20 के फैक्टर है प्राइम फैक्टर करेंगे, याद रखिएगा 2 की पावर 2 into 5 और 16 के फैक्टर है 2 की पावर 4. तो एलसीएम निकालना है लोएस्ट कॉमन फैक्टर लेकिन लेके हम हाईएस्ट फैक्टर हाईएस्ट पावर. तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4 में हाईएस्ट पावर कौन सी हुई, 2 की पावर 4. और 5 की पावर 1 है यहां पर नहीं है, एक्चुअली है बट आप कह सकते हैं 5 की पावर 0 है. तो 5 की पावर 1 बड़ी हुई है 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, इसलिए आपके पास 5 यहां नजर आ रहा है. जब एलसीएम की बात आती है तो जो कॉमन नंबर्स होते हैं उनमें हाईएस्ट पावर और जो अनकॉमन होते हैं वो तो आपने लेना ही है. तो 2 की पावर 4 into 5 यानी 16 into 5 80 इज द एलसीएम. तो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ. सेकेंड पार्ट में आपको चेक करना है क्या ये कम्यूटेटिव है जो बाइनरी गिवन है. तो डियर देखिए ए बाइनरी बी यानी एलसीएम ऑफ ए एंड बी और बी बाइनरी ए इज एलसीएम ऑफ बी एंड ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर आप 5 बाइनरी 7 लगाएंगे यानी 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो भी 35 होगा, और अगर आप पोजीशन चेंज कर 7 बाइनरी 5 लेंगे तो भी आपके पास एलसीएम कितना आएगा, 35. दैट मींस दैट बाइनरी इज कम्यूटेटिव. नाउ वी हैव टू चेक वेदर इट इज एसोसिएटिव और नॉट. तो अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 5 बाइनरी 7 बाइनरी 3. तो 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा डियर, 35. 35 का बाइनरी अगर आप 3 के साथ लेते हैं यानी एलसीएम लेते हैं 35 का, तो 35 के फैक्टर हो गए आपके पास 7 into 5. तो 7 into 5 और अगर आप 3 का एलसीएम लेंगे तो अनकॉमन सब चीजें आ जाएंगे, 7 into 5 into 3 दैट इज 105. तो आपके पास एलसीएम आ गया 105. अब इसी तरीके से हम पोजिशनिंग चेंज कर देते हैं, पहले हमने ए और बी का बाइनरी लेने के बाद सी के साथ लिया. अब हम क्या करेंगे, पहले ए को एज इट इज छोड़ रहे हैं, बी और सी का बाइनरी ले रहे हैं, 7 और 3 का बाइनरी यानी 7 और 3 का एलसीएम. तो 7 और 3 का एलसीएम कितना है, 21. फिर 5 और 21 का एलसीएम लेंगे तो वो भी कितना आ रहा है आपके पास, 105. तो देख सकते हैं आप विद इन ब्रैकेट ए बाइनरी बी बाइनरी सी इज इक्वल टू ए बाइनरी बी बाइनरी सी, दैट मीन्स दैट ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, राइट. और यहां अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो 1 जो है यहां पर आइडेंटिटी है. आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि आप जो पहला एलिमेंट लिख रहे हैं वही आ जाए, यानी अगर आप ए बाइनरी ई कर रहे हैं तो ए आ जाए और ई बाइनरी ए कर रहे हैं तब भी आपके पास ए आ जाए, राइट. तो आप देख सकते हैं अगर आप ए का 1 के साथ एलसीएम लेंगे तो भी ए आएगा और 1 का ए के साथ एलसीएम लेंगे तो भी आपके पास ए ही आएगा, यानी कोई भी नंबर 5 बाइनरी 1 तो भी 5 1 बाइनरी 5 तो भी आपके पास 5 आ जाएगा. तो ऐसे केस में 1 यहां पर एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से उस एलिमेंट की आइडेंटिटी नहीं बदलेगी जो उसके साथ होगा, यानी अगर हम 3 बाइनरी 1 लें तो एलसीएम में 3 ही आ जाएगा, 5 बाइनरी 1 लें तो भी 5 आ जाएगा, यानी जो आपके पास एलिमेंट है उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई. दैट इज व्हाट आइडेंटिटी एलिमेंट ऑल अबाउट. और यहां पर अगर हम इन्वर्टेबल की बात करें तो यहां 1 ही एक ऐसा है जो इन्वर्टेबल एलिमेंट है,
क्यों? क्योंकि आप देखिए, अगर ए बाइनरी बी ई के इक्वल आ जाए और बी बाइनरी ए बी ई के इक्वल आ जाए तो उसे इन्वर्टेबल एलिमेंट कहा जाता है। तो अगर आप टू बाइनरी वन निकालें या वन बाइनरी टू निकालें तो आप देख सकते हैं टू आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली थ्री बाइनरी वन अगर आप कैलकुलेट करेंगे थ्री, अगर आपने उनकी पोजिशनिंग चेंज कर दी यानी वो कम्यूटेटिव अगर है तो ऐसे केस में इस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ तो वो आपके पास इन्वर्टेबल एलिमेंट बी होता है। तो यहां वन क्या है आपके पास? इन्वर्टेबल एलिमेंट बी है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, इज बाइनरी डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 5 बाय ए बाइनरी बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी अ बाइनरी ऑपरेशन, जस्टिफाई योर ऑपरेशन। तो हमें ये बताना है कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो आपके पास एक सेट है तो हम इसमें बाइनरी टेबल बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं हम लोग बाइनरी टेबल? बहुत सिंपल है, यहां बाइनरी साइन लगाएंगे। जो सेट आपको गिवन है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। नाउ अब आपके पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है? एलसीएम। तो वन और वन का एलसीएम क्या आएगा डियर? वन। वन और टू का एलसीएम टू, वन और थ्री का एलसीएम थ्री, वन और फोर का एलसीएम फोर, यानी वन बाइनरी फोर इज फोर, वन बाइनरी फाइव इज फाइव। नाउ टू बाइनरी वन इज टू, टू बाइनरी टू इज टू, टू बाइनरी थ्री इज सिक्स एंड टू बाइनरी फोर इज फोर, टू बाइनरी फाइव इज टेन, थ्री बाइनरी वन इज थ्री, थ्री बाइनरी टू इज सिक्स जो कि एलसीएम है थ्री और टू का, थ्री और थ्री का एलसीएम थ्री आ जाएगा, थ्री और फोर का एलसीएम। तो यहां पर जो बाइनरी ऑपरेशन है दैट इज एलसीएम, राइट? तो ये आपका पूरा टेबल इस तरीके से फिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं फोर और थ्री का एलसीएम कितना होगा? ट्वेल्व। फोर और फाइव का एलसीएम कितना होगा? ट्वेंटी। फाइव और टू का एलसीएम कितना होगा? टेन। तो इस तरीके से हमने ये टेबल पुट किया। बट दिस इज नॉट बाइनरी। बाइनरी के लिए क्या कंपल्शन होती है डियर? कि आपने अगर फर्स्ट एलिमेंट सेट में से पिक करा, दूसरा एलिमेंट भी आपने सेट में से पिक करा, तो जो रिजल्टेंट होना चाहिए बाइनरी लगाने के बाद वो भी इसी सेट में से होना चाहिए, तभी वो बाइनरी डिफाइन होती है। लेकिन आप देख सकते हैं टू बाइनरी थ्री, क्या रिजल्ट आ रहा है आपके पास? सिक्स। क्या ये सिक्स आपके सेट से बिलोंग करता है? नहीं। यहां बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं 15 20 12, ये आपके सेट के अंदर नहीं है तो ये बाइनरी डिफाइंड नहीं होगी। ये बात हम आपको पहले की जो वीडियो है उसमें भी समझा चुके हैं कि बाइनरी डिफाइंड कब मानी जाती है, जब आपने जो ए एलिमेंट है, ये जो ए एलिमेंट है ये आपने सेट में से लिया, जो बी एलिमेंट है वो भी आपने सेट में से लिया, जब आपने उस पर बाइनरी लगाई वो रिजल्टेंट भी अगर उसी सेट में से आ जाए तो वो बाइनरी डिफाइंड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर के लिए हमने चेक करा, रैशनल नंबर के लिए हमने चेक करा, यहां पर सेट डिफाइंड था 1 2 3 4 5, तो यहां रिजल्टेंट ऐसे हैं जो कि आपके उस सेट से बिलोंग नहीं करते, दैट मींस बाइनरी इज नॉट डिफाइंड ऑपरेशन हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर एट, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। तो अब हमारे पास है नेचुरल नंबर्स, ए बाइनरी बी इज एच सी एफ ऑफ ए एंड बी। तो सिमिलर तरीके से क्वेश्चन होगा ये, बस अब एलसीएम की जगह क्या आ चुका है डियर आपके पास? एच सी एफ। कम्यूटेटिव देखना है ये है या नहीं है, एसोसिएटिव चेक करना है और इसका कोई आइडेंटिटी ऑपरेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले कम्यूटेटिविटी चेक करते हैं इसकी। तो ए बाइनरी बी एच सी एफ ऑफ एच ए एंड बी, तो अगर टू बाइनरी थ्री आप निकालेंगे तो इनका एच सी एफ नाम जरूर होता है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, लेते हैं हम लोग लोएस्ट कॉमन। तो इसके फैक्टर होंगे 2 into 1 एंड दैट इज 3 into 1। तो जो कॉमन फैक्टर होता है इसमें सिर्फ वही आता है एच सी एफ में। एक खास बात याद रखेंगे, एलसीएम में कॉमन जो चीज है उसकी हाइएस्ट पावर और अनकॉमन चीजें भी आ जाती हैं। एच सी एफ में सिर्फ कॉमन चीज आएंगी और उसकी पावर होगी लोएस्ट, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर होने के बावजूद भी लोएस्ट। तो यहां पर इनके बीच में कॉमन पार्ट है 1। अगर ये 3 बाइनरी 2 हो तब भी आपके पास एच सी एफ कितना आएगा? 1। तो यहां पर ए बाइनरी बी बी बाइनरी ए के इक्वल है, देयरफॉर बाइनरी इज कम्यूटेटिव। आई होप इट्स क्लियर। अब हम इसकी एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। तो हमने एग्जांपल से ही चेक करा है, यहां पर भी 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4। तो 2 बाइनरी 3 यानी 2 और 3 का एचसीएफ कितना होगा? 1। फिर 1 और 4 का एचसीएफ कितना आएगा? 1 आ जाएगा आपके पास। फिर 2 बाइनरी विद इन ब्रैकेट 3 बाइनरी 4, 3 और 4 का एचसीएफ कितना आएगा डियर? 1। फिर 2 और 1 का एचसीएफ कितना आ गया आपके पास? 1। तो यहां पर विद इन ब्रैकेट ए बाइनरी बी बाइनरी सी इज इक्वल टू ए बाइनरी विद इन ब्रैकेट बी बाइनरी सी, देयरफॉर बाइनरी इज स्टार इज एसोसिएटिव। नाउ हमें आइडेंटिटी निकालना है, तो आप चेक कर सकते हैं अगर हम 2 बाइनरी e करें, 2 आ जाए तो वो एक एलिमेंट जो होगा वो आइडेंटिटी कहलाता है, मतलब जिस नंबर के साथ इसका एचसीएफ लिया जाए और यही नंबर एज इट इज आ जाए तो वो आइडेंटिटी होगा। तो आप देखिए यहां पर आइडेंटिटी कोई भी नहीं है। अगर हम 2 बाइनरी 1 लेते हैं तो यह 1 आ रहा है, मतलब 2 तो नहीं आ रहा ना, 1 बाइनरी 2 करने पर 1 आ रहा है, मान लेते हैं ये आया, लेकिन 2 बाइनरी 1 करने पर यहां 1 आ गया यानी ए नहीं आया। तो
अगर ए बाइनरी ई ए आ जाए और ई बाइनरी ए भी ए आ जाए तो वहां पर आपके पास आइडेंटिटी अप्लाई करती है, तो यहां पर आपके पास कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, राइट। अगर टू बाइनरी वन टू ही आ जाता तो वो एलिमेंट आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट तब कहलाता, लेकिन टू बाइनरी वन के साथ जो आइडेंटिटी थी ए की वो बदल गई और वो बन गया ए, तो यहां पर आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट क्यू। क्यू स्टैंड्स फॉर रैशनल नंबर्स, जिसमें आपके नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन यानी पी बाय क्यू फॉर्म में सब आते हैं। रैशनल नंबर एज फॉलोज, फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन आर कम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। तो डियर, इसमें आपके चार पांच आपको पार्ट दिए गए हैं, हमने आपको दो से तीन एक्सप्लेन करे हैं, बिल्कुल सिमिलर तरीके से आप वो सभी प्रूव कर सकते हैं। आप मेथड समझिए, मेथड समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी पार्ट हों उसी तरीके से सॉल्व होंगे, राइट। तो ए बाइनरी बी इक्वल टू ए माइनस बी आपको गिवन है, आपको चेक करना है कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी। तो टू बाइनरी थ्री अगर हम चेक करें, टू माइनस थ्री इक्वल टू माइनस वन, और जैसे ही हमने थ्री बाइनरी टू निकाला दैट इज वन, तो क्या यहां पर ए बाइनरी बी बी बाइनरी ए के इक्वल है? नहीं। तो इसका मतलब ये जो स्टार है, जो बाइनरी है, ये कम्यूटेटिव नहीं है आपके पास। सिमिलरली एसोसिएटिविटी चेक करते हैं, टू बाइनरी थ्री बाइनरी फोर, तो टू माइनस थ्री क्योंकि आपको बाइनरी डिफाइन कर रखा है, सब्ट्रैक्शन है दोनों एलिमेंट्स का, तो टू माइनस थ्री दैट इज माइनस वन, तो माइनस वन और फोर का अगर हम बाइनरी लें तो माइनस वन माइनस फोर दैट इज माइनस फाइव। नाउ हियर थ्री बाइनरी फोर पहले सॉल्व होगा तो थ्री माइनस फोर माइनस वन, नाउ टू बाइनरी माइनस वन अगर हम लेंगे तो टू प्लस वन दैट इज थ्री। तो आप देख सकते हैं आपकी लेफ्ट हैंड साइड है माइनस फाइव और राइट हैंड साइड है थ्री, दैट मींस ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास ये जो स्टार है, जो बाइनरी है, ये एसोसिएटिव नहीं है। बिल्कुल सिमिलर तरीके से इसके सभी पार्ट्स हैं, लेकिन फिर भी हमने आपको दो पार्ट्स और करके दिखाए हैं। देखिए ए बाइनरी बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एग्जाम्पल ले लेंगे बहुत आसान होता है, बट याद रखिएगा एग्जाम्पल उसी सेट में से लेना है जो आपको डिफाइंड हो। तो यहाँ पर जो सेट डिफाइंड है वो है रैशनल नंबर, तो आप फ्रैक्शन नंबर्स भी ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं, इट्स योर विश। तो हमने यहां लिया है टू और थ्री जो कि हमने रैशनल नंबर्स में से लिया है, जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो भी रैशनल नंबर में से होना चाहिए, तभी वो बाइनरी डिफाइंड होती है। फिर बात की बात होती है एसोसिएटिव चेक करना और कम्यूटेटिव चेक करना। तो टू बाइनरी थ्री इज इक्वल टू टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर दैट इज थर्टीन। अगर हम इसे थ्री बाइनरी टू कर दें तो भी थ्री स्क्वायर टू स्क्वायर अगर आपके पास आ जाएगा तो ये सेम ही आएगा। तो यहाँ ए बाइनरी बी बी बाइनरी ए के इक्वल है, दैट मीन्स दैट बाइनरी इज कम्यूटेटिव। नाउ व्हाट अबाउट एसोसिएटिविटी, टू बाइनरी थ्री बाइनरी फोर, तो टू बाइनरी थ्री हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं थर्टीन, अब थर्टीन का फोर के साथ अगर कैलकुलेट करें बाइनरी तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो 169 प्लस 16 इज 185। नाउ थ्री बाइनरी फोर, तो थ्री बाइनरी फोर इज 9 प्लस 16 दैट इज 25, फिर टू बाइनरी 25 निकालिए तो दैट इज 2 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर, ये तो बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है आपके पास। इसका मतलब ये जो बाइनरी है ये आपके पास एसोसिएटिव नहीं है। आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा किस तरीके से कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव करते हैं, ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है अगर रिलेशन फंक्शन की बात करी जाए तो। नाउ ए बाइनरी बी इक्वल टू ए प्लस ए बी, चेक कर लेते हैं इसकी कम्यूटेटिविटी। टू बाइनरी थ्री, तो टू बाइनरी थ्री किसके इक्वल है? टू प्लस टू इंटू थ्री, राइट, टू प्लस टू इंटू थ्री यानी ए प्लस ए बी, तो टू प्लस टू इंटू थ्री दैट इज एट। थ्री बाइनरी टू अगर हमने करा तो थ्री प्लस थ्री इंटू टू दैट इज नाइन, तो यहां पर ए बाइनरी बी बी बाइनरी ए के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स बाइनरी इज नॉट कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिविटी चेक कर लेते हैं, टू बाइनरी थ्री, तो टू बाइनरी थ्री हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं एट, एट बाइनरी फोर मीन्स एट प्लस एट इंटू फोर 32, दैट रिजल्टेंट इज 40। थ्री बाइनरी फोर इज 15 जो कि थ्री प्लस 12 हो गया आपके पास। नाउ टू बाइनरी 15 इज टू प्लस 30 दैट इज 32। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो ए बाइनरी बी विद इन ब्रैकेट बाइनरी सी इज नॉट इक्वल टू ए बाइनरी विद इन ब्रैकेट बी बाइनरी सी, दैट मीन्स बाइनरी इज नॉट एसोसिएटिव। तो इसी तरीके से आप इसके सिमिलर क्वेश्चन कर सकते हैं, सिमिलर पार्ट कर सकते हैं। फिर जो आपका इसका 10th क्वेश्चन है उसमें आपसे इसका आइडेंटिटी एलिमेंट मांगा गया है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपको सिखाया गया है, तो आप उस लॉजिक को समझिए और इसके आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लेट ए, दैट इज अ गुड क्वेश्चन, आपके लास्ट ईयर लास्ट ईयर के कुछ एग्जाम्स में ये आया भी हुआ था एक बार एक पार्ट के तौर पर। तो लेट ए इक्वल टू एन इंटू एन, दैट इज नेचुरल नंबर को आपने नेचुरल नंबर के साथ प्रोडक्ट किया तो आपके पास एक सेट आया, दैट सेट इज ए। तो जो सेट ए है उसमें क्या क्या एलिमेंट होंगे आपके पास? 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 2 1, 2 2, 2 3, so on, इस तरीके से बहुत सारे सेट्स होंगे, तो वो आपका सेट ए है। नाउ
बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाय दिस कि एक आपने इसमें से सेट एक आपने पेयर लिया उसका बाइनरी दूसरे के साथ लिया तो आपके पास वो बाइनरी इस तरीके से होगा कि इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ ऐड हो जाएगा और ये जो आपके पास एक्सट्रीम्स हैं वो एक्सट्रीम के साथ ऐड हो गए. तो ए सी के साथ ऐड हो गया, बी डी के साथ ऐड हो गया, ये आपको बाइनरी डिफाइन किया गया. आपको चेक करना है ये कम्यूटेटिव है एसोसिएटिव है और उसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है. तो सबसे पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले रहे हैं तो दिस इज योर ए बाइनरी बी. इस तरीके से ट्रीट करिए इसे ए बाइनरी बी. तो ए बाइनरी बी किसके इक्वल है, ए प्लस सी और बी प्लस डी. नाउ अब ये ले लीजिए बी बाइनरी ए, प्लेस चेंज कर दीजिए, बस ए बाइनरी बी था बी बाइनरी ए. तो अब क्या होगा, सी प्लस ए और डी प्लस बी. बात तो वही आ जाएगी, सी प्लस ए इज बेसिकली इक्वल टू ए प्लस सी एंड डी प्लस बी इक्वल टू बी प्लस डी. तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इक्वल है तो दैट मीन्स बाइनरी इज कम्यूटेटिव. अब हम चेक करते हैं इसकी एसोसिएटिविटी, तो एसोसिएटिविटी चेक कर लेते हैं हम इसकी. ए बाइनरी बी बाइनरी सी डी विद इन ब्रैकेट बाइनरी ई एफ. तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ए प्लस सी और बी प्लस डी. तो ये एक पेयर आ गया, इसका बाइनरी आपने ई एफ के साथ लेना है, दैट इज ए प्लस सी प्लस ई और बी प्लस डी प्लस ई. तो आप ये समझ सकते हैं दिस इज योर ए बाइनरी बी बाइनरी सी. तो ए बाइनरी बी क्या होगा, ये इसका एलिमेंट इसमें ऐड हो गया इसका एलिमेंट. तो अब ये फिर से बन गया ए बाइनरी बी. तो ये ए प्लस सी और ये बी प्लस डी. तो ये आ गया आपके पास रिजल्टेंट. आप इस तरीके से राइट हैंड साइड पे कीजिए, ये देखिए ए बाइनरी बी बाइनरी सी. तो ये हो गया इसका एलिमेंट इसमें ऐड, सी प्लस ई और डी प्लस एफ. उसके बाद इनमें अगर हम बाइनरी लेंगे तो ये आपके लिए ए सेट है और ये आपके लिए बी पेयर है. तो ए प्लस दिस और बी प्लस दिस, ये भी आपके पास एकदम सेम आ रहा है, दैट मीन्स हेयर स्टार इज एसोसिएटिव. तो ये आपके पास कम्यूटेटिव भी प्रूव हो गया क्योंकि शो दैट वाला क्वेश्चन था और एसोसिएटिव भी प्रूव हो गया. बात आती है आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने की, तो आइडेंटिटी तभी होता है जब एक आपने एलिमेंट लिया उसका बाइनरी ई एलिमेंट के साथ यानी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ लिया और ए एज इट इज आ जाए, या ई बाइनरी ए हो तब भी ए आ जाए. तो ऐसा यहां नहीं हो रहा है, हमने एक ई एलिमेंट लिया दैट इज दिस और ए हमारे पास यहां पर ए कॉमा बी है, ई वन ई टू. ये बन जाएगा ए प्लस ई वन और बी प्लस ई टू, दैट इज नॉट इक्वल टू दिस वन, राइट. ये आपके पास इसकी आइडेंटिटी एज इट इज नहीं रही, ये आपके पास चेंज हो गया. अगर हम ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट इट बी वन कॉमा वन, ठीक है, 2.3 के साथ अगर आप 1.1 भी ले लेते हैं तो ये देखिए आइडेंटिटी चेंज, 2 + 3, 2 + 1 = 3. तो देखिए आइडेंटिटी बदल गई आपके पास, तो 1.1 यहां पर एलिमेंट जो है आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है. और इसी तरीके से अगर आप, क्योंकि रैशनल नंबर्स हैं यहां पर, नेचुरल नंबर्स हैं, तो आप 1 और 1 के अलावा और तो कोई एलिमेंट ले नहीं सकते, या तो 0.0 होता या 1.1 होता. तो आप यहां चेक कर सकते हैं, तो ये चीज आपके पास इक्वल नहीं आ रही, तो यहां पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता. थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विवा क्लासेस.